वर्ल्ड कप 2023 का नॉकआउट राउंड स्टार्ट हो गया, तो आज हम बात करेंगे सेकंड सेमीफाइनल मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होने वाला है। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट से जरूर बने रहें। अब आगे बात करते हैं, जहां वर्ल्ड कप का लीग चरण समाप्त हो गया और चार सबसे बेस्ट टीम जो सेमीफाइनल के क्वालिफाई की लगातार सात मैच जीतकर कॉन्फिडेंस। ऑस्ट्रेलिया टीम जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ने वाली है। वहीं साउथ अफ्रीका की अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो नंबर दो पे है, वहीं ऑस्ट्रेलिया नंबर तीन पे है। दोनों ही टीम्स ने अब तक 9 मैच में से 7 मैच जीत के आ रही है। वे दोनों इस लड़ाई को बरकरार रखते हुए फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे। वहीं पर साउथ अफ्रीका के पास इस बार मौका होगा सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर पहली बार फाइनल खेलने का। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगी 6वीं बार वर्ल्ड कप उठाना। अब अगर बात करते हैं पहले दोनों टीमों का वर्ल्ड कप हिस्ट्री चेक करते हैं, जहां पे टोटल मैच 7 खेले गए, तो ऑस्ट्रेलिया टीम 3 मैच जीत के आ रही है, तो साउथ अफ्रीका भी 3 मैच जीत के आ रही है, नो रिजल्ट 1 है। वहीं आगे बात करते हैं पिच रिपोर्ट देखते हैं, तो ईडन गार्डन्स की पिच थोड़ी सी स्लो है। शुरुआत में यहाँ बैटिंग के लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद धीमी पड़ने लगती है। जब स्पिनर खेल में आएंगे तो उन्हें पिच से भरपूर पकड़ और स्पिन मिलेगी। स्पिनर्स को अंत में काफ़ी ऑफ कटर बॉल फेंकने होंगे, क्योंकि गेंद आसानी से बल्ले पर नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं वेदर रिपोर्ट। मैच के दिन कोलकाता में थोड़ा सा बादल छाए रहेंगे, कुछ बारिश की भी संभावना है, लेकिन इससे मैच में ज़्यादा बाधा पड़ने का चांस नहीं है। टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं आगे बात करते हैं जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का शॉट एनालिसिस करते हैं, तो वे कहते हैं कि आपको कभी भी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को कमज़ोर नहीं गिनना चाहिए। वे सच कहते हैं, इस विश्व कप में अपने पहले 2 गेम हारने के बाद लोगों ने उन्हें नकार दिया था, लेकिन अपना बेस्ट कमबैक किया और लगातार 7 जीत के साथ सेमीफाइनल में इंटर किया। इस बार उनके पास पावर पैक बैटिंग यूनिट और डेफ बैटिंग कर दी है। वहीं अगर बात करें डेविड वार्नर, जो पूरे टूर्नामेंट में रन बना रहे हैं, उन्होंने अब तक 55.44 की एवरेज से 499 रन बनाए। इसके बाद मिचेल मार्श, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 132 गेंदों में शानदार 177 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी अर्धशतक के बाद ट्रेविस हेड आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन वह एक अटैकिंग बैटर है, उनका एक कैमियो भी इफेक्टिव हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक्सपीरियंस स्टीव स्मिथ से भी कुछ रनों की उम्मीद होगी। उन्होंने टूर्नामेंट में बिल्कुल खास परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन उनके टेक्निक इस विकेट मिडिल ओवर पर उपयोग होगी। फिनिशर की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल, जो करियर का बेस्ट फॉर्म में है, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो क्या कर सकते हैं। एडम जंपा के शानदार प्रदर्शन को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं लग रही है। लेग स्पिनर इस विश्व कप में बॉलिंग चार्ट टॉप पर हैं, जिन्होंने 18.90 की औसत से 22 विकेट हासिल किए हैं। वहीं पार्ट टाइम बॉलर की बात करें तो जहां पे मैक्सवेल और स्टोनिस भी कमाल कर सकते हैं। वहीं आगे बात करते हैं इस विकेट पे ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर जो जेसल है, जो पैट कमिंग्स और मिचेल स्टार्क को भी उम्मीद मिलेगी, मदद मिलेगी। अब यह देखना होगा कि क्या ये वे स्ट्रॉन्ग दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग यूनिट पर प्रेशर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पर ट्रेविस हेड है, डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श है, स्टीव स्मिथ है, जॉस इंग्लिश है जो विकेट कीपर है, ग्लेन मैक्सवेल, मानस लम्बिचेस, मार्क स्टोनिस भी उनके जगह पर हो सकते हैं, पैट कमिंग जो कप्तान है, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा, जॉस हेजलवुड। अब अगर बात करते हैं साउथ अफ्रीका का शॉट एनालिसिस करते हैं, तो साउथ अफ्रीका ने इस विश्व कप में जिस तरह से खेला है उसे उस पर प्राउड होगा। नीदरलैंड से उसे करारी हार, अब भारत से 243 रन की हार को छोड़कर वे पूरा टूर्नामेंट में इफेक्टिव रहे हैं। जब वे पहले बैटिंग करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बैटिंग यूनिट होती है। हालांकि टारगेट चेस करना उन्हें निश्चित रूप से टेंशन में ला देता है, नॉकआउट में इंटर करते समय उन्हें इस बात से अवेयर रहना होगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि सेमीफाइनल में क्वांटन डीकॉक ने उनके मेन बैट्समैन होंगे। लीग स्टेज के अंत में वह टूर्नामेंट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर हैं। उनके नाम 65.66 की एवरेज से 591 रन है। डीकॉक ने इस सेशन में 4 शतक लगाए और अगर वह एक और शतक लगाए तो टीम को बहुत खुशी होगी। अब अगर बात करते हैं जहां पर दक्षिण अफ्रीका के पास एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक भी है, जिसको लीड कर रहे हैं भरोसेमंद एक्सपीरियंस बॉलर कैसिगो रवारा कर रहे हैं। इस फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 44.96 की एवरेज से 29 विकेट लिए हैं। हालांकि केदार क्वेट जी इस साल टीम के लिए बेहतरीन बॉलर्स हैं, जिन्होंने 19.38 की एवरेज से 18 विकेट लिए हैं। ईडन गार्डन्स ने भारत के खिलाफ मार्को जॉनसन मांगे साबित हुए थे, लेकिन उनसे विकेट लेने की एबिलिटी और वो अपना रोल निभा सकते हैं। ईडन के इस स्लो विकेट पर केशव महाराज का स्पेल इंपॉर्टेंट होगा। उन्होंने यहाँ भारत के खिलाफ शानदार बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को बैटर्स को यहाँ पे फंसा सकते हैं।
अब अगर बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे कॉन्टन डीकॉक जो विकेट कीपर है, तेम्बा भमुमा जो कप्तान है, राशि वान डेर ड्यूसेन, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को जेंसन, गेराल्ड कोर्जी, केशव महाराज, कैसिगो रवारा, लुंगी नगीडी। तो ये रहे साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11। हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लास्ट विनर की ओर। तो देखा जाए तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर साउथ अफ्रीका होने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम काफी स्ट्रांग लग रही है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।